हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर ऑनलाइन क्लास टीचर ऑन बिहाफ ऑफ आरबी स्टार अकेडमी एंड यूनिक स्टार अकेडमी। हियर आई एम गोइंग टू टीच यू गाइज फॉर क्लास सिक्स्थ एंड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है क्वालिटीज़। वर्च्यू अब यहाँ पे देखते हैं वार्म अप क्या दिया हुआ। वर्च्यू इज़ द इनर क्वालिटीज़ ऑफ अ मैन। क्या बोल रहा है? वर्च्यू इज़ द इनर क्वालिटी ऑफ मैन। वर्च्यू वो होता है जो आदमी के अंदर उसकी अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे वो अच्छा होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, हर एक काम अपनी ईमानदारी से करता है, हर मतलब अपना जो उसका धर्म है वो ईमानदारी से निभाता है, उसी को बोलते हैं इनर क्वालिटीज़। इट मेक्स अ मैन ग्रेट एंड हेल्प्स हिम रीच ग्रेटर हाइट्स इन लाइफ। क्या बोल रहे हैं? ये आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग एंड महान बनाता है, क्योंकि ये जो है एक इसको मदद करता है इंसान को किसके लिए, उनकी लाइफ में जो है अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अ मैन पजेसिंग गुड क्वालिटीज़ इज़ ऑलवेज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। उस क्या बोल रहा है? एक आदमी जो होता है जिसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर अच्छी बातें होती हैं, जिसके अंदर अच्छी खूबियाँ होती हैं, वो दुनिया में हर जगह जो है सक्सेस पाता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हर जगह उसको जो है कामयाबी मिलती है, ठीक है। ये हो गया अपना वार्म अप। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा क्या दिया हुआ है। सो स्वीट डे, सो कूल, सो काल्म, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, द ड्यू शैल वीप दे फॉल टू नाइट, फॉर दो मस्ट डाई। ये हमारा हो गया जो पोइट है, ये उसको अपने पोइट्री वाली लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको नॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं कैसा क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन, तो उसका एक्सप्लेनेशन ये होगा फर्स्ट स्टैंजा में। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट इज़ प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ द डे विच इज स्वीट। क्या बोल रहा है? इसमें जो है पोइट है यानी ये जो कवि है ये बता रहा है कि जो दिन की खूबसूरती है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मधुर है, उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। बहुत ही ठंड, हाँ, बहुत ही चमकीली और रोशनदान है ये, रोशनी जो है दार है, चमकीली है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बात कर रहा है। इट शोज़ द वेडिंग ऑफ द अर्थ विद द स्काई। क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे जो है धरती की जो है आसमान के साथ शादी हो रही है, ठीक है इसमें। एंड नेक्स्ट, बट वेन द नाइट फॉल्स, बट जैसे ही रात आती है, द ड्यू वीप्स फॉर दैट इज़ द एंड ऑफ द डे। क्या बोलते हैं? जैसे ही रात आती है और ओस गिरना स्टार्ट हो जाती है शीत, वैसे ही ये सब जो है ख़त्म हो जाता है, यानी कि जो भी दिन की खूबसूरती वगैरह है वो रात आते ही सब ख़त्म हो जाती है, उसी के लिए उसको बोला है कि फॉर दो मस्ट डाई। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा। सेकेंड, स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव बीड्स द रैश गैजर वाइप हिज आई, द रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव एंड दो मस्ट डाई। देखिए अब ये हो गया सेकेंड स्टैंजा। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे नॉर्मल इंग्लिश में? उसका ऐसा होगा, द पोएट सेज दैट द ब्यूटी ऑफ द रोज इज प्रेज वर्दी हुज कलर आर ब्राइट एंड बोल्ड एंड इट कमांड्स द गेजर टू क्लीन हिज आई। क्या बोल रहा है कवि? ये बोल रहा है कि इतनी खूबसूरत है ये, क्या है, रोज़ जो होते हैं ना फूल, इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, इतने सराहनीय दिख रहे हैं, जिसके कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और चमकीले हैं और जो है मतलब भड़कीले हैं, जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें एक मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी तरफ दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं, जैसे कि अभी कोई चीज़ हम लोग अच्छी चीज़ देखते हैं जिसको हमारी आँख जो है अचानक से अगर अच्छा दिखता है तो हम अपनी आँख को वापस एक बार मींच करके दोबारा साफ़ करके वापस उसको देखते हैं, इतना अच्छा हमको लगता है, ठीक है। ये वही बोल रहा है, गेजर टू क्लीन हिज आई, यानी आँख को जो है साफ़ करके वापस देखते हैं उसको, जो चीज़ अच्छी लगती है कि, बट स्टिल इट्स रूट्स आर बिलो द ग्राउंड, बट इसकी फिर भी जो जड़ें जो हैं वो ग्राउंड यानी ज़मीन में ही हैं, हाँ, इन इट्स ग्रेव एंड इट हैज़ टू डाई। क्या बोल रहा है? इसका कहने का मतलब ये हो गया है कि ये फिर भी ज़मीन में जो है मतलब पेड़ लगे हुए हैं इसके, फिर भी जो है ये रात आते ही ये सब खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब रात आएगी फिर फूल मुरझा जाएंगे, ठीक है, इसके लिए बोल रहा है ये कि ये फिर से एंड दो मस्ट डाई, ये फिर से ख़त्म हो जाएगा। इन थर्ड स्टैंजा, स्वीट स्प्रिंग फुल स्वीट डे एंड रोजेज अ बॉक्स वेयर स्वीट कंपैक्टेड लाई, My music shows you have your closes and all must die. इसमें थर्ड स्टैंजा में क्या बोल रहा है? द स्प्रिंग सीजन
टू इज ब्यूटीफुल, क्या बोल रहा है, जो वसंत का मौसम वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड लवली डेज, यानी पूरा फूलों से भरा हुआ है और खूबसूरत दिन है। इट इज़ लाइक अ बॉक्स फुल ऑफ स्वीट, ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई का डब्बा है। द एयर इज़ फुल ऑफ म्यूजिक, क्या बोल रहे हैं, हवा में एकदम मतलब म्यूजिक, यानी उसमें बहुत ही अच्छी वो संगीत की जैसी हवा चल रही है। बट फाइनली इट ऑल हैज़ टू कम टू एन एंड, यानी क्या बोल रहा है लास्ट में, ये सब क्या है, शाम आते ही सब खत्म हो जाएगा, यानी फिर से रात आ जाएगी, फिर से वो धुंधला आ जाएगा, फिर से वो अंधेरा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा, ओनली अ स्वीट एंड वर्च्यू सोल लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स, बट दो द होल वर्ल्ड टर्न्स टू कोल द दे चीफली लीव्स। इसमें क्या बोल रहा है इसका लास्ट स्टैंजा में, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, देखिए, द पोएट सेज दैट ओनली अ नोबल सोल इज लाइक अ सीजनड वुड दैट नेवर डाइज, क्या बोल रहा है इसमें, जो है जिसकी क्वालिटीज जितनी रहेगी वो कभी खत्म होने वाली नहीं है, यानी जिसकी जो खूबियां हैं वो हमेशा उसके पास रहने वाली है। सपोज आपके पास नॉलेज है, नॉलेज कभी खत्म होने वाला नहीं है, इवन इफ द होल वर्ल्ड इज टर्न टू एशेस द नोबल सोल ऑलवेज लिव्स बाय, क्या बोल रहा है, अगर सारी दुनिया खत्म भी हो जाती है फिर भी जो है इसमें जो है क्या बोल रहे हैं उसकी क्वालिटीज जो रहती है वो बाकी रहती है, यानी अगर सपोज आपके पास, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर गुड क्वालिटीज हैं और आपके पास खूबियां हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पर्सनालिटी अच्छी है आपकी, आपके पास जितना सब कुछ है सब कुछ जल जाए, अगर राख हो जाए जल करके, फिर भी जो है आपके पास जो है नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, गुड क्वालिटीज़ है, ये सब चीज़ें जो है आपको हमेशा के लिए जीवित रखती हैं, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ हैं गुड। ठीक है, ये हमारे आप हैं, एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, थैंक यू।